हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, रणबीर कपूर इन दिनों अपने फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ फिल्म शमशेरा को लेकर भी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट साल 2018 में हुई, जिस दौरान रणबीर कपूर संजू फिल्म में काम कर रहे थे। इसके साथ ही फिल्म का एक बेहद ही छोटा सा टीजर भी रिलीज किया गया था, जिसमें उनका रणबीर का लुक किसी लुटेरे जैसा लग रहा था। वही 19 जून को इस फिल्म का पहला पोस्टर और रणबीर कपूर का पहला लुक रिवील हुआ, जिसको अब ऑफिशियली कर दिया गया है। हाल ही में फिल्म क्रिटिक्स तरन आदर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से उनकी फिल्म के 3 पोस्टर रिलीज किए, जो कि अलग अलग लैंग्वेज में हैं। इन सभी पोस्टर को यशराज फिल्म्स की ओर से रिलीज किया गया। वहीं पोस्टर सामने आने के बाद से रणवीर के फैंस जहां काफी एक्साइटेड है, मतलब कि ये फिल्म इसी साल जुलाई में सिनेमाघरों में रिलीज होगी, वो भी 3 अलग अलग लैंग्वेज में। पोस्टर को जारी करते हुए करण ने लिखा कि रणबीर कपूर शमशेरा का फर्स्ट लुक पोस्टर, साथ ही ये भी बताया कि 3 लैंग्वेज में रिलीज होगा। उसके बाद क्या था, जहां बाकी के फैंस रणबीर कपूर की तारीफ कर रहे थे, फिल्म के पोस्टर की तारीफ कर रहे थे, लेकिन शमशेरा में अपने पहले लुक को लेकर रणबीर कपूर को जमकर ट्रोल भी किया गया। मतलब कुछ यूजर्स का कहना है कि रणबीर कपूर के लुक को हॉलीवुड सुपर हीरो थॉर की कॉपी कर बनाया गया है। वहीं कई यूजर्स का कहना है कि बॉलीवुड में कोई भी फिल्म बिना कॉपी के नहीं बन सकती। वहीं कुछ का कहना है कि एक और फ्लॉप मार्केट में आने वाली है फिल्म। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि फिर सस्ती कॉपी बनाकर लोगों को पागल बना रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने कहा कि एक और वाहियात YRF की फिल्म तैयार है। मतलब ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जो ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं। वेल, थॉर वाली बात करें तो सच में लुक वैसा ही है ओवरऑल। हाथ में कुल्हाड़ी है, एज इट इज सब कुछ है, थोड़ा बहुत बस पोजिशनिंग चेंज है। एक यूजर का कमेंट तो सच में मतलब अलग ही है। उन्होंने क्या लिखा है सुनिए आप भी। रणबीर कपूर इज नॉट एन एक्टर, इवन आफ्टर सो मैनी मूवीज ही कैन डू सर्टेनली टाइप ऑफ एक्टिंग, बेटर टू गिव हिम अ साइड रोल सिचुएबल फॉर हिम, ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र लुक लाइक फनी। वेल, इन्होंने जो भी कहा ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि उनकी अलग अलग वैरायटी की हमें फिल्में देखने को मिलती हैं। आप बर्फी देखिए, उनकी फिल्म कितनी अमेजिंग फिल्म थी। संजू फिल्म देखिए, उसमें कितनी वैरायटी है, एक अलग ही है वो फिल्म। बायोग्राफी प्ले करना, किसी का कैरेक्टर प्ले करना इतना आसान नहीं होता, और बहुत ही एफर्टलेस तरीके से ये काम रणबीर कपूर ने किया है। अगर आपने सिर्फ रणबीर कपूर की 2 फिल्म देखी है, रॉकस्टार और ए दिल है मुश्किल, तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपके लिए। वेल, अब शमशेरा की रिलीज डेट में बहुत कम समय बचा है, लगभग 1 महीने का। ये फिल्म सिनेमाघरों में बहुत बड़े लेवल पे रिलीज हो रही है। हालांकि ये फिल्म बहुत पहले रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते फिल्म की रिलीज डेट को होल्ड पर रखा गया, और फैंस अब काफी एक्साइटेड है फिल्म के लिए, और मेकर्स भी धमाका करने के लिए बड़े बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से तैयार है। अब देखना है कि क्या होता है बॉक्स ऑफिस पर। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।